हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेनेसा पीरियड। इसके पहले हमने रिफॉर्मेशन पीरियड को इसके पहले वाली क्लास में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार जाकर रिफॉर्मेशन देख लें, क्योंकि रिफॉर्मेशन पहले आप देख लोगे तो फिर रेनेसा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और रेनेसा जो है रिफॉर्मेशन का ही परिणाम था। रिफॉर्मेशन के बाद रेनेसा आया, और रिफॉर्मेशन अगर नहीं आता तो रेनेसा भी नहीं आता, तो इसका जो है डायरेक्ट लिंक है उससे। तो पहले आप रिफॉर्मेशन समझ लें। अब बात करें रेनेसा की, तो रेनेसा को समझने से पहले मैं इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी उसमें आप लोगों को इसके आगे के प्रोसेस होंगे जो लिटरेचर को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी जितना ज़्यादा हो सके इससे हेल्प मिल सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। रेनेसा क्या था? रेनेसा एक पुनर्जागरण काल था। पुनर्जागरण काल क्यों आया, यानी रेनेसा क्यों आया? तो जो रिफॉर्मेशन पीरियड था, जब चर्च का आधिपत्य बहुत बढ़ गया था और किंग के हाथ में भी पावर नहीं रही थी, फिर लोगों में बहुत ज़्यादा लोगों का के अधिकारों का हनन हो रहा था, लोग बहुत चर्च के ऊपर डिपेंड थे और चर्च के द्वारा उनका शोषण हो रहा था एक तरीके से। तो जब मार्टिन लूथर किंग ने इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया और बताया कि बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है वो तो लैटिन में था, इसलिए कॉमन पीपल उसको पढ़ नहीं पाते थे, तो उन्हें पता नहीं था। इसके बाद क्या हुआ कि जब लोगों को पता चला कि एक्चुअली में बाइबल में क्या लिखा हुआ है और जो चर्च में बताया जाता है वो इंटरप्रिटेशन गलत है, तो लोगों ने चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट किया और उनका झुकाव लिटरेचर की तरफ बढ़ने लगा। लोग पढ़ने में इंटरेस्ट लेने लगे और चर्च से उनका ध्यान हटके ह्यूमन वर्क पे आ गया। तो बेसिकली रेनेसा का जो पीरियड रहा है, इसका मतलब पुनर्जागरण से है। और पुनर्जागरण किस चीज़ में? तो पुनर्जागरण सभी चीज़ों में जो उस टाइम पे फिर से जन्म ले रही थी, जस्ट लाइक ह्यूमनिज्म, नेशनलिज्म, सेटलमेंट्स और सोशल कंटेनमेंट, उसके बाद लिटरेचर, और इसमें जियोग्राफिकल पर्पसेस भी आते हैं। जैसे उस टाइम पे जब रेनेसा स्टार्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा लोग खोज कर रहे थे। वास्को डी गामा ने नई नई चीज़ों की खोज की, वो रास्तों की खोज की। उसके बाद कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो ये सब जो भी पीरियड घटित हो रहा था, सब कुछ उस रेनेसा में हो रहा था। और मतलब कह सकते हैं कि इसमें ये रेनेसा जो है, इट वाज अ एज ऑफ डिस्कवरी ऑफ साइंस, डिस्कवरी ऑफ लिटरेचर एंड डिस्कवरी ऑफ मेनी मोर थिंग्स। तो इसमें जो मेन फीचर्स है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेनेसा के पीरियड की। तो सबको कंफ्यूजन हो जाता है कि रेनेसा का क्या पीरियड रहा है, किस पीरियड में रेनेसा आया, किस पीरियड में रिफॉर्मेशन आया। तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि रिफॉर्मेशन का कोई पीरियड स्पेसिफिक नहीं बताया गया, इसलिए क्योंकि अलग अलग जगहों पर रिफॉर्मेशन अलग अलग टाइम पर पहुँचा था, और क्योंकि रिफॉर्मेशन का ही परिणाम रेनेसा था, तो जैसे जब रिफॉर्मेशन जिस जगह पे अलग टाइम पे पहुंचा, उसी तरीके से रेनेसा भी अलग टाइम पे जगह जगह पहुंचा, इसलिए इसका भी कोई पीरियड डिसाइड नहीं है। लेकिन हाँ, ये लास्ट फेज माना जाता है रिफॉर्मेशन पीरियड का। तो अब रेनेसा में क्या क्या चीज़ें हुई थी? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक आंदोलन था। इस आंदोलन की उत्पत्ति का सही समय नहीं बताया जा सकता है, और रेनेसा मध्ययुग के अंधेरे से मानव मस्तिष्क के उजाले की तरफ जाना था। कहने का मतलब है कि चर्च का जो डोमिनेशन था, चर्च में जो फेथ था, उससे लोगों का हटकर उनका ध्यान पूरी तरीके से मानव के ऊपर आ गया, अक्वायरिंग ऑफ नॉलेज पे आ गया, वो नॉलेज को एक्वायर करने लगे और जागरूकता उनके अंदर आ गई। तो मानव जो भावना थी, उस जो मध्ययुग की नींद से जागृत होकर उत्पन्न हुई थी, ऐसा कह सकते हैं। असीमित शक्ति के प्रति प्यास थी, और इसका उत्पत्ति स्थल इटली से माना जाता है, जो कि रिफॉर्मेशन का भी था। फिर इटली से जर्मनी और फिर इंग्लैंड पहुंचा। साहित्यिक रूप से रेनेसा का तात्पर्य पुनर्जन्म से है। यह बौद्धिक पुनर्जन्म था
इन्फ्लुएंजा के दौरान पुराना क्लासिकल शिक्षा का पुनरुद्धार हो रहा था। इस युग के लेखक नवीन साहित्य को जन्म दे रहे थे, मीन्स जैसे लोग पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे थे, साहित्यिक रचनाओं को पढ़ रहे थे, वैसे ही लेखक भी इसको लिखने में इंटरेस्ट लेने लगे। तो एक पूरी बाढ़ सी आ गई, लोग बहुत संख्या में टूट पड़े नवीन साहित्य के ऊपर, और इसी तरीके से बहुत नए नए राइटर्स का भी उदय हुआ। और इस रेनेसा पीरियड का ही रिजल्ट रहे हैं आपने शेक्सपियर भी। तो आगे चलते हैं। इसने प्रमुख, मतलब ये रेनेसा का एक प्रमुख गुण ये भी रहा कि इसने राष्ट्रीय के प्रति श्रद्धा समर्पित सबको, मतलब राष्ट्रीयता की भावना जगाई सबके अंदर, और यह भावना चौसर के युग में उत्पन्न हुई थी और पूर्ण विकसित हुई जाकर एलिजाबेथन युग में। यह आंदोलन स्थायित्व का युग था। यह स्थायित्व धर्म और राजनीति दोनों ही क्षेत्र में था, और इस समय तक इंग्लैंड व स्कॉटलैंड के मध्य युग समाप्त हो चुके थे। यह स्थायित्व साहित्य के लिए सकारात्मक था, और जो ये युग था ये सामाजिक संतुष्टि का युग था। इस युग में लोग काम, लोगों को जो है काम मिल रहा था, लोग व्यापार में इंटरेस्ट ले रहे थे, और व्यापार में वृद्धि हो रही थी, और इसी वृद्धि के होने से इंग्लैंड जो है पूरी तरह से समृद्ध होने लगा था, और समृद्धशाली लोग साहित्यिक कामों में रुचि लेने लगे थे, मतलब जो अलाइट पीपल थे वो साहित्यिक काम में रुचि लेने लगे थे, तो राइटर भी लिखने में रुचि लेने लगे थे। और इस युग में नई नई खोजें हो रही थी, और जैसा कि मैंने भी बताया, हाँ सबसे मेन पॉइंट एक आता है इसमें, कैक्सटन, जो विलियम कैक्सटन थे उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोड्यूस किया, मतलब इसके पहले कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करता था। यह रेनेसा पीरियड ही था जिसमें प्रिंटिंग प्रेस का उदय हुआ और चीज़ों को पब्लिश किया जाने लगा, जो भी लिटरेचर वर्क थे उनको पब्लिश किया जाने लगा, इसके पहले पब्लिकेशन का काम नहीं होता था। तो ये चीज़ें हुई। उसके बाद इस युग का जो जो लिटरेचर था उसका विकास हुआ, और लिटरेचर में बहुत वृद्धि हुई। स्पेंसर की प्रमुख चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि फेरी क्वीन है, और उन्होंने पूरी एलिजाबेथन युग में थे और एलिजाबेथ के ऊपर ही उन्होंने फेरी क्वीन के ऐसा एलेगरी लिखा था, और इसमें जो ड्रामा है उसका भी उदय हुआ। और जो मेन मेन राइटर्स इस टाइम के कौन कौन थे तो उनको देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि शेक्सपियर जो हैं ये रेनेसा पीरियड के ही परिणाम माने जाते हैं, इन्होंने रेनेसा पीरियड में ही ये बहुत फेमस हुए थे, और इनके साथ साथ मार्लो जॉन लिली भी थे। और इनके कुछ रचनाओं की बात की जाए तो कुछ रचनाएं उस टाइम पे जो लिखी गई जो बहुत फेमस रहीं वो थी हेनरी फोर, हेनरी थर्ड, रिचर्ड सेकेंड, रिचर्ड थर्ड, मैकबेथ, ओथेलो, द प्यूबेस्ट, एज यू लाइक इट, किंग लियर, हेमलेट। ये सारी रचनाएं रेनेसा पीरियड में लिखी गई थी, और इसमें से बहुत सारे लगभग मोस्ट ऑफ रचनाएं जो हैं ये शेक्सपियर के द्वारा की गई। और उस टाइम पे जब शेक्सपियर की एक स्टाइल सबसे बड़ी जो अलग थी बाकी राइटर्स से वो ये थी कि बाकी राइटर्स फिर उस टाइम तक रेनेसा पीरियड में भी लैटिन वर्ड्स का यूज़ करते थे, लेकिन शेक्सपियर ने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया। और जैसा कि आप इनकी पोइट्री में देखोगे तो शेक्सपियरियन उसको बोला जाता है कि ये शेक्सपियरियन स्टाइल है। शेक्सपियरियन स्टाइल का मतलब है कि उन्होंने इंग्लिश स्टाइल अपना अपनाया, और जैसे पोइट्री लिखते थे तो उसमें रिदम और राइट जो राइम होता है उसको उन्होंने अलग तरीके से इंट्रोड्यूस किया, और ये काफ़ी लोगों को पसंद भी आया। तो इतनी सारी चीज़ें थी रेनेसा पीरियड में, मेन मेन चीज़ें हमने डिस्कस कर ली कि क्यों रेनेसा को रेनेसा कहा गया, क्योंकि इसलिए कहा गया, मैं समअप कर देती हूँ, इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो है ये एक रीबर्थ था, पुनर्जन्म था इन सभी चीज़ों का, ह्यूमनिज्म का और लिटरेचर का, साइंटिफिक जो है रिसर्च जो हो रहे थे उन चीज़ों का, और इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस का, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, और इसलिए इसको जो है रेनेसा पीरियड कहा गया, क्योंकि सभी चीज़ों की डिस्कवरी हो रही थी और लोग इन लिटरेचर में भी इंटरेस्ट ले रहे थे। तो इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड।